तो कहीं क्रैश हो गया हूँ तो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज, आज के व्लॉग की शुरुआत आफ्टरनून में हो रही है। तो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भाई एक मस्ती राइड करने। तो भाई उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया हुआ है कि भाई तू आ जा, फिर हम चलते हैं एक मस्ती राइड करते हैं। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, तो भाई वहाँ जाके ना मस्त राइड होने वाली है। तो भाई कजन वगैरह तो भाई आराम से यहाँ पे भी खाना वगैरह खा रहे हैं। तो भाई लंच का टाइम आ चुका है, तो भाई ये लंच कर रहे हैं और भाई मैं निकल रहा हूँ घर से फुल पावर। तो चलो कोई नहीं यार, अब आपको मैंने एक बात और भी बोली थी। तो अभी पापा जो है वो रेस्ट में, भाई आज पापा पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं तो भाई वो वाला काम भी जरूर करवा देता। तो चलो कोई नहीं यार, जल्दी से जल्दी आपको अपनी गाय भी दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। उनको भी इंजॉय करना, उनके साथ भी आपकी बातें करवाएंगे भाई। हमारी गाय जो है ना वो बातें भी करती हैं। तो भाई मम्मी देख रहे हो कितनी खुश हो रही भाई ये बात सुन के। तो भाई आधे लोग चाय पी रहे हैं, आधे लोग खाना खा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा हमारे घर में। तो चलो यार खाना वगैरह खाते हैं, फिर फुल पावर निकलते हैं। दोस्त वगैरह भाई वेट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे जाके करते हैं एक मस्ती राइड। तो चलो मिलता हूँ सीधा गोप्रो में जाके। सो फाइनली गाइस, भाई यहाँ पे ना अब मैं बर्नआउट मारने वाला हूँ। तो चलो गाइस बर्नआउट को एंजॉय करो। तो फाइनली गाइस भाई यहाँ पे मैंने बर्न आउट तो मार दिया। तो भाई आप टायर की हालत चेक कर सकते हो भाई, पूरे टायर जो है वो खराब हो चुका है यार। तो भाई अभी फ्रेंड की कॉल आ रही है, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं यार जल्दी जल्दी। सो फाइनली गाइस चलो अब यहाँ से निकलते हैं भाई। रोड की हालत देख रहे हो भाई, यहाँ पे भाई खड्डा हो चुका है। तो पापा भी पूछ रहे हैं क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ पापा जी, थोड़ा सा चलता रहता है। तो भाई टायर की हालत तो खराब हो चुकी है, तो अब यहाँ से निकलता हूँ फुल पावर। तो चलो गाइस भाई अब घर से निकल चुका हूँ। तो भाई बर्नआउट कैसा लगा वो बताना भाई। सबसे पहले भाई बर्नआउट मारा है, उसके बाद जाके भाई फ्रेंड्स के साथ राइड करूँगा। तो कैसा लगा आपको बर्नआउट जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। तो चलो फुल पावर निकलता हूँ यार। वो कहीं बोल रहे हैं कि ऑफ रोड करने जाना आज, कहीं पता नहीं अब कहाँ जाना है, अब मुझे तो वो पता नहीं है। तो वो लाइव लोकेशन वगैरह अपनी भेज देंगे, तो भाई उनकी लाइव लोकेशन के हिसाब से मैं निकल जाऊँगा भाई। यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ भाई, फ्रेंड बोल रहे हैं भाई जल्दी आ जा जल्दी आ जा। अब तो भाई पिछले टायर में भाई ग्रिप भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है यार, तो कहीं क्रैश हो गया हूँ तो मम्मी भाई मोबाइल भी कहाँ चला गया। क्या हो गया, चलो बात करो मोबाइल साक्षी क्यों मैं क्रैश हो गया यार। कल इनको फोन करता हूँ यार। हेलो छोटू, बाइक एक्सीडेंट हो गया यार, इधर ऊपर मम्मी को नहीं बोलना ठीक है। क्या लगी है? लगी तो नहीं है उतनी, थोड़ी सी लगी है पाँव में, बाइक नीचे खड्डे में गिर गई है यार। मम्मी को नहीं बोलना, एक काम कर बाइक लेके आ तू जल्दी ठीक है। नहीं इनको नहीं बोलना, इनको नहीं बोलना प्लीज़, इनको मत बोलना यार, इनको टेंशन हो जाएगी। पहले तू आ पहले बाइक यार, बाइक इधर नीचे चली गई है, इधर कोई आदमी भी नहीं है यार, जंगल में हूँ पता कहाँ से। ये आगे ना जहाँ ये कोटवाला वाली साइड जाएगा ना हमारे घर से, तो देख स्टार्टिंग में इधर कच्चा जैसा रास्ता आता जहाँ राधा स्वामी का है, तो बस वहाँ जैसे से थोड़ा सा आगे जाके ऊपर को मुड़ना है ठट्टर वाली साइड ठीक है। हाँ जल्दी करना यार, इनको बोलना ऐसे ही जा रहा हूँ यार, दो मिनट बोलना ठीक है, ऊपर बोलना बंद तालाब तक जा रहा हूँ, ऐसे बोलना, इनको मत बोलना यार प्लीज़। ओके यार किसी गाड़ी वाले को बोलता हूँ, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही यार, देख रहे हो भाई क्या हालत होगी यार भाई यार यहाँ से।
भैया बाइक नीचे गिर गई है यार, बाइक नीचे गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया, बाइक नीचे गिर गई है खड्डे में, रस्सा रुस्सा होगा कुछ, ऊपर खींचेंगे कैसे खींचे। आप लगाओ यहाँ पे गाड़ी साइड पे, ये देखो यहाँ पे रोड पे भी क्या हालत हो। यहाँ से जा रहा था मैं, तेज आ रहा था, ब्रेक ने काम ही नहीं किया। भैया बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बाइक नीचे चली गई है, बाइक नीचे खड्डे में चली गई है, बाइक ऊपर निकलवानी है। कैसे? इधर से एक्सीडेंट हो गया अभी। अब ये निकलेगी भी नहीं अकेले मेरे से। कैसे निकालें यार, समझ भी नहीं आ रही है। गस्तोई की भी ऐसी बार खींची हमने तो, हाँ खींचेंगे तब भी गस्तोई की, तब भी टूटेगी, गोवा टूटेगी, मगर ये निकलेगी कैसे यहाँ से। तो भाई क्रैश तो हो गया, अब क्या करें। अब भैया पता क्या, अगर आपका रस्सा रुस्सा होता ना, रस्सा है मेरे पास, तो इसको पकड़ के खींच लो, कोई टेंशन नहीं है, रगड़ो हो गई है ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक तो पाँव भी नहीं टिक रहा। भैया आप रस्सा बांध के ही करो इसको, यही काम करने, ये खींची तो भले नुकसान ही होना है। नहीं नहीं भैया टायर में डालो, टायर में डालो, टायर के अंदर से डालो, हाँ इसके अंदर से डालो। तो गाइस भाई यहाँ पे ऑटो से खींचनी पड़ रही है यार। तो भाई यहाँ पे सोच रहे हैं अब रस्सी बांध के खींचें इसको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ से निकलने का। पता नहीं नुकसान भी कितना होगा, मुझे तो वो भी नहीं पता है। तो भाई यहाँ से ना रस्सा डालना पड़ रहा है यार। ये नहीं हिलता, खींच 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 भाई, गाड़ी से भी नहीं खींचा जा रहा यार। भाई गाड़ी भी नहीं खींच पा रही यार। ना ऐसे नहीं, घूम ही नहीं रहा ये मोटरसाइकिल, फंस गया। एक मिनट भैया भैया पता क्या, गियर में शायद, एक मिनट, वो न्यूट्रल है, नहीं नहीं गियर में वो न्यूट्रल, हाँ ठीक है। अब भैया अब आस्ता आस्ता खींचना, अब सीधा हैंडल ऐसे रखना, आपके पेट में लगेगा, अपना पेट बचाना, बस बाइक को रहने दो।
आ निकल रहा निकल रहा यार, कहाँ फंस गया। एक काम करो। हाँ जी। ये भाई गाड़ी से नहीं खींचा जा रहा। पकड़ी पकड़ी पकड़ी, कहाँ झाड़ियों में फंस गए। देख रहा हैंडल भी टेढ़ा हो गया यार, हैंडल टेढ़ा हो गया। आराम से आराम से। सॉरी भैया, आगे आगे भैया, भैया ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, हैंडल पकड़। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हाँ भैया आप इधर से पकड़ना, पकड़ के रखना, रस्सा रस्सा पकड़ के रखना। ठीक है ठीक है ठीक है, फिरने दो फिरने दो, इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। अब बस शुक्रिया सबका बहुत बहुत। मुझे पाँव पाँव में लगी है, बाकी नहीं कहीं लगी है। हाँ इधर लगी, स्टैंड लगाया। हेलो, हाँ हाँ सीधा ऊपर आना, सीधा ऊपर आना। ठीक स्टार्ट करो करो स्टार्ट। हाँ मारो सेल्फ मारो। स्टार्ट तो हो रहा है, नहीं मुझे तो पाँव में लगी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लगी है। हाँ भाई आ रहा है, हाँ हाँ वो नीचे नीचे से आ रहा था, वो देखो वहाँ से आ रहा था, स्पीड थी। हाँ चलो, इतनी भी नहीं थी, 60-70 होगी यहाँ पे। शुक्रिया भैया आपका बहुत बहुत। हाँ जी सही बात है। हाँ हेलमेट तो पहननी थी। तो गाइस कजन भी आ चुका है, वो नीचे खड्डे में गिरी थी अभी, खैर गाड़ी से खींच खूंच के मसा, गाड़ी से खींच खूंच के मसा। इधर से आ रहा था यार, ब्रेक ने काम ही नहीं किया, बर्नआउट जो घर में मारा था। तो चलो गाइस अब पहले कहीं साइड पे लगाता हूँ भाई, यहाँ पे तो भाई बहुत सारे लोग आ चुके थे, बहुत ज़्यादा रश हो गया था यार। लेकिन भाई एक बात है, लोगों ने इतनी ज़्यादा हेल्प की, इतनी ज़्यादा हेल्प की ना, किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे को यार, सारे यही दुआ कर रहे थे कि शुक्र कर तू बच गया। यार लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही ना, मेन बात बोलूँ मुझे टेंशन में पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो तब पता चला जब मैं खड्डे में गिर गया था। तो गाइस भाई अब ना मैं यहाँ पे बाइक लगा के बैठा हूँ, तो यार मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं घर कैसे जाऊँ,
अब मम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा यार, बाइक भी पूरी डैमेज हो चुकी है भाई, फ्रंट से तो भाई पूरी बाइक ख़त्म हो चुकी है, दोनों लाइटें आगे से सब कुछ टूट चुका है, वो तो आपने ऑलरेडी क्लिप्स में देख लिया होगा, एक बार मैं फिर आपको दिखा दूंगा भाई। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार, ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, कभी आईफोन गिरता है भाई, एक भी दिन ना खुशी का नहीं निकल पा रहा यार लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। एज प्रेयर करो कि भाई ना जल्दी से जल्दी भाई ठीक हो जाए यार, इतने अच्छे मूड से भाई घर से निकला था कि ब्लॉग शूट करना है, लेकिन क्या बोलूं यार अब नहीं कर पा रहा हूं ब्लॉग शूट भाई, ध्यान कहीं और है, ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो नहीं हो पा रहा वो चीज़ मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ भाई, पूरे हाथ भी ना मुड़ चुका है, लोगों के सामने तो मैंने उतना ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन ये वाला हाथ जो है ना इसमें भी भाई पेन हो रही है। तो अब बाइक को क्या क्या डैमेज हुआ है उसकी भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मम्मी पापा के सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ यार, मम्मी पापा के सामने जाऊँगा ना वो बोलेंगे यार ये क्या कर दिया तूने बाइक को, पूरी टूटी फूटी बाइक है यार, अब नहीं समझ आ रहा गाइस क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो तो लोगों ने चलो यहाँ से तो बचा दिया यार, अब कज़न को मैंने बोला हुआ कि घर में नहीं बताना, लेकिन अब बाइक कैसे लेके जाऊँगा यार घर में यही नहीं समझ आ रही है। तो आप एक बार देख लो भाई बाइक में कितना सा डैमेज हुआ है, प्रेयर करना कि बाइक को सब कुछ ठीक हो जाए यार, जो लाइफ में टेंशन चल रही है ना वो ना मिले मुझे दोबारा। तो हमेशा जब भी बंदा ब्लॉगिंग करता है ना अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ करे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन दिमाग कहीं होता है दिल कहीं होता है फिर ये चीज़ें होती हैं यार, सबके साथ होती हैं। तो गाइस बाइक की तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है भाई, यहाँ से देख रहे हो भाई पूरी ये चीज़ देख रहे हो, पूरी चीज़ टूट चुकी है यार, ये भाई अंदर से पता नहीं क्या क्या भाई, एग्जॉस्ट ये देखो एग्जॉस्ट का कवर गाइस ये देख रहे हो गाइस भाई ये भी पूरा टूट चुका है। तो ये तो भाई साइड से देखो यहाँ पे ब्लड वगैरह भी लगा हुआ है, तो भाई इसको तो भाई ज़्यादा नुकसान ना बाइक का यहाँ से हुआ है, देख रहे हो भाई लाइटें वगैरह सारी टूट चुकी हैं। तो देख रहे भाई बल्ब अंदर ही है निकल नहीं रहा बाहर, ये देख रहे हो भाई बल्ब दोनों टूट चुके हैं यार भाई, DRLs वगैरह सारी टूट चुकी हैं, यहाँ से भाई हैंडल वगैरह भी टेढ़ा हो चुका है भाई, ये लीवर भी टेढ़ा हो चुका है यार, देखो यहाँ से ये चीज़ भी टूट चुकी है, नंबर प्लेट भी टूट गई है यार गाइस, नंबर प्लेट को तो अब हाथ में लेके जाना पड़ेगा यार। तो गाइस प्रेयर करना यार सब कुछ ठीक हो जाए, अब यहाँ से घर कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा यार, अब डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, पाँव में भी पेन हो रही है, वो तो शुक्र करो भाई उतनी ज़्यादा मेरे को नहीं लगी है, सिर्फ पाँव वगैरह में लगी है, ऑलरेडी आपको पता है एक पाँव फ्रैक्चर है, कहीं ऐसा ना हो इस बार दूसरा भी फ्रैक्चर हो जाए। तो चलो यार चलता हूँ यहाँ से, देखते हैं अब क्या होता है अपनी बाइक के साथ, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँगा, क्योंकि अब आपको पता है सर्विस सेंटर में जब बाइक रहेगी तो 2-4 दिन तो बाइक अब वहीं पर लगी रहेगी, 2-4 दिन क्या जितना डैमेज हुआ ना मुझे नहीं लगता कि अब 10-15 दिन से पहले ठीक होगी। तो चलो यार जाऊँगा अभी शोरूम, अब आज तो नहीं जा पाऊँगा, कल जाता हूँ, कल देखता हूँ वहाँ पे क्या बोलते हैं, कितना खर्चा आता है वो भी सारा आपको बताऊँगा। तो चलो यार चलता हूँ यहाँ से।